पूसा डिकम्पोजर जीवाणुओं का एक संग्रह है, और अगर आप खेत के अंदर ही पराली को गलाना चाहते हैं तो कटाई के तुरंत बाद 10 लीटर घोल का 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद उसको मिट्टी में दबाना ज़रूरी है, तो चाहे आप रोटावेटर चला लीजिए या किसी से भी उसकी अल्टी पल्टी करके हल्का पानी दे दीजिए। 15 दिन के अंदर वो इतना गल जाता है कि आपने कोई भी दूसरी फसल लगानी है उसकी बुआई जुताई जो भी करना चाहे कर सकते हैं, और 25 दिन के अंदर 95% जो है पराली अंदर गल जाती है। और फिर जब आप खेत से जैसे गेहूं बोइए, गेहूं की उपज लेंगे, तब तक जो है आपकी खेत को संपूर्ण खाद भी मिल जाती है। कैप्सूल को घोल बनाने में बहुत आसान प्रक्रिया है। हम ये कहते हैं 150 ग्राम गुड़ लीजिए और 5 लीटर पानी में उबाल लीजिए, और गुड़ की जो भी मैली है वो उतार के फेंक दीजिए। फिर आप एक चौकोर बर्तन लेके और उसमें 5 लीटर उबला हुआ गुड़ का पानी डाल दें, और जब ये गुड़ का पानी हल्का गुनगुना रह जाएगा तब उसमें 50 ग्राम के करीब अच्छा बेसन डाल के मिला दीजिए। इसके बाद एक किट में 4 कैप्सूल होते हैं, और उन 4 कैप्सूल को जो है आप तोड़ के उसमें डाल दीजिए, और उसके खोल भी उसमें डाल के और हल्का सा हिला के और पतले कपड़े से ढक दीजिए। जब सर्दी का मौसम होता है तो उसको थोड़ी गर्मी चाहिए, तो गर्म जगह पर रख दीजिए, और 4 दिन के अंदर उसमें बहुत अच्छे जो हैं पूरा कल्चर तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल क्या है कि किसान हर एक चीज़ की बढ़त चाहते हैं, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप 4 कैप्सूल से 25 लीटर तक घोल बना सकते हैं, 5-5 लीटर गुड़ का घोल डाल के। और इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि 10 लीटर घोल को 1 एकड़ में छिड़क दीजिए। क्या करते हैं, जैसे 4 दिन के बाद आपकी अच्छी मलाई और दाने आ गए, दोबारा से आप 5 लीटर घोल तैयार कीजिए 150 ग्राम गुड़ डाल के, और इस समय बेसन का प्रयोग नहीं करना। जब वो घोल गुनगुना रह जाएगा तो आप जो पहले का तैयार हो रखा है 5 लीटर उसमें मिला दीजिए और हल्का सा उसको मसल दीजिए, तो 5 लीटर से आपका 10 लीटर हो गया। 2 से 3 दिन में वो फिर दोबारा से जाला बन जाएगा और दाने आ जाएंगे, तो दोबारा से 5 लीटर, ऐसे 5 का 10, 15, 20, फिर 25 कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक किट से जो है आपको 10 से 12 दिन लग जाते हैं। कई किसान भाई क्या करते हैं, 5 किट इकट्ठी ले लेते हैं, 10 किट इकट्ठी ले लेते हैं, चौड़े बर्तन में डाल के उसी अनुपात में गुड़ और पानी का घोल बना के भी कर सकते हैं, तो उतने ही समय में ज़्यादा कल्चर तैयार हो जाता है और खेतों में भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और अगर जैसे आप ज़्यादा किट लेते हो, 5 किट लेते हो, तो आप 25 लीटर से शुरू करेंगे, 25 लीटर, फिर 50 लीटर, फिर 75, तो उसमें क्या है कम समय में ज़्यादा आपका बन जाएगा, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। ये तो किसानों ने खुद हमें करके दिखाया है। 1 एकड़ में आपको 10 लीटर घोल चाहिए और उसमें कम से कम 200 लीटर पानी मिलाइए। पानी की मात्रा ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कल्चर जो है 10 लीटर होना चाहिए। कल्चर की मात्रा फिक्स है, पानी तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छिड़काव करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसको मिट्टी में अल्टा पल्टी या मिट्टी में दबना ज़रूरी है, और उसके बाद हल्का पानी चाहे तो हल्का दीजिए, और अगर आपको खेत की तैयारी के लिए पूरा पानी देना है पूरा पानी दीजिए। छिड़काव करने के और मिट्टी में पलटने के बाद खेत जो है किसान के हवाले है, वो जिस चीज़ को बोना चाहता है उस चीज़ की जो भी प्रैक्टिस करता है अपने आप, वही प्रैक्टिस का पालन करे और कुछ नहीं करना है। अभी तक हमने कई जगह पर डेमोंस्ट्रेशन भी किया, और हमारे पास एक पूरा पूसा कैप्सूल का ग्रुप है, और सारे ग्रुप के किसान भाई जो है हमारा प्रयोग कर रहे हैं और हम उनको दे भी रहे हैं, हर जगह उनको विघटन मिला है। और इसके साथ साथ कुछ जगह से हम खेत के मिट्टी के सैंपल भी लाए थे, उसमें 25 दिन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बढ़ोतरी पाई गई है। एक अच्छा विकल्प है कि अगर किसान लोग पराली को ना जलाएं तो पराली को खेत में ही डाल दें, तो इससे ये नहीं होगा कि हम वो सोच रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पराली जो है ऊपर से उठा के लोगों को दे देते हैं, भाई पैसे मिल जाते हैं 1200 रुपये या 1300 रुपये, पर मुख्य मुद्दा ये है कि आपका जो एक बार आपने उपज ले ली उसके बाद ये जो पड़ा है आपका, ये तो खनिज है आपके लिए, एक सोना है, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश आदि तत्व है। अगर ये मिट्टी में गलेगा तो मिट्टी में खाद बनेगी, तो आपको आगे जाके रासायनिक खादों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा फायदा है, केवल ये नहीं कि गला दिया जाए बल्कि आपके पोषक तत्व जो है मिट्टी में आ जाएंगे। पूसा डिकम्पोजर मंगाने का सूक्ष्म जीव विभाग जो है भारतीय कृषि अनुसंधान में है, उसमें आप खुद आकर भी ले जा सकते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो आप पोस्ट द्वारा भी मंगवा सकते हैं। और ये हम 20 रुपये का एक किट देते हैं, और डाक खर्च का जो खर्चा है वो किसान को या जो भी मंगवाता है उसको वहन करना होता है। इसके लिए हम बुकिंग कर लेते हैं, और बुकिंग करने के बाद हम उसको भिजवा देते हैं। और अभी पराली का सीजन है तो डिमांड ज़्यादा है, लेकिन मेरा एक और छोटा सा निवेदन है कि ये डिकम्पोजर जो है केवल पराली के लिए नहीं है,
आप इससे खाद बनाइए, जो भी आपका फसल अवशेष है हर अवशेष में ये काम करता है, गोबर की खाद बनाइए, सबकी बनाइए तो बहुत अच्छा फायदा होगा, तीव्र गति से खाद बनती है। भी फसल अवशेष में हमारे पदार्थ होते हैं उन सबको खाने के लिए जीवाणु बना हुआ है, चाहे वो गेहूँ की फसल हो, चाहे वो मूँग हो, चाहे वो धान हो, इन सब के लिए वो जीवाणु सक्रिय होते हैं, वो जीवाणु जो है उनको खा के अपना उर्वरक बना देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ एक फसल के ऊपर आप फोकस मत करिए, आप कोशिश करें कि हर फसल अवशेष को जलाने या फेंकने के बजाय उसकी खाद बनाई जाए। लेकिन अब स्थिति यह है कि जब से हमने पूसा डिकम्पोजर पहले लॉन्च किया था 2018 में, धीरे धीरे बढ़ा, अब किसान हमारे पास खुद आके कह रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ छिड़काव कीजिए, तो इसका मतलब ये एक स्थिति बदल गई है, किसान भी पराली जलाना नहीं चाहता, वो भी पराली फसल अवशेष इत्यादि का एक साधारण सा विकल्प ढूंढ रहा है, उसको जब विकल्प मिल जाएगा तो वो इसको कभी भी जलाएगा नहीं।